क्या माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जो नए कंट्रोल्स आए वो खराब है, पुराने कंट्रोल से कोई ज्यादा पीवीपी प्रो था या फिर कोई अच्छा बैड वॉर खेलता था? इसका आंसर है सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट ने अपने कुछ रिसेंट अपडेट्स में माइनक्राफ्ट के कंट्रोल्स को चेंज किया है और ये कंट्रोल्स आप लोग अपने मन चाहे से लगा सकते हो। अगर आप लोगों को पुराने में खेलना तो आप पुराने में खेल सकते हो, नए में खेलना तो नए में खेलो। अब देखो आए दिन मेरे को बहुत सारे कमेंट आते रहते कि भाई नए कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाओ कि नए कंट्रोल ज्यादा अच्छे या फिर पुराने कंट्रोल अच्छे हैं। देखो सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग के ओपिनियन क्या है, क्या लोगों को नए वाले कंट्रोल पसंद आ रहे हैं या फिर पुराने वाले कंट्रोल ज्यादा अच्छे थे। तो लोगों से एक छोटी सी राय लेने के लिए मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक अनाउंसमेंट डाली कि क्या माइनक्राफ्ट के नए कंट्रोल अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। 58 लोगों ने बोले कि ये अच्छे हैं और 31 लोगों ने बोले बुरे हैं। बट वेट, 58 एंड 31 इज नॉट अ बिग नंबर, बट हमें एक रेशो पता चल चुका था कि हाँ बहुत सारे लोगों को नए वाले कंट्रोल पसंद है और बहुत सारे लोगों को नई भी पसंद है। ये तो हो गई लोगों की राय, लेकिन लॉजिकली कौन से वाले अच्छे हैं? ये चीज को चेक करने के लिए मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा और उसके बाद मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो चीज अपने गेम में जाके। नए वाले कंट्रोल में आप लोगों को बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के बटन दिख जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए मुझे ये वाले फ्लावर को तोड़ना है, लेकिन अगर मैं अपनी स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो मैं हरगिज ये वाले फ्लावर को नहीं तोड़ पाऊंगा। एंड दैट्स बिट वियर्ड। भाई तुम लोग एक बार ये सोचो कि जो एमसीपी खेलता है वो स्क्रीन पे तो क्लिक करेगा ना, क्योंकि पहले से क्लिक करते आ रहा है स्क्रीन पे। लेकिन नए वाले टच कंट्रोल के साथ ऐसा नहीं, आपको इन्हीं की बटन यूज करना पड़ेगा, स्क्रीन पूरी की पूरी काम करना बंद कर देती है। मैं यहाँ पर अटैक वाले में क्लिक करूंगा और देखो मैंने फ्लावर को तोड़ दिया, और देखो अभी मेरे को यहाँ पर तलवार वाले बटन को दबाना पड़ेगा तभी मैं ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। अगर मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो मैं तब भी ब्लॉक को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। और प्लेस करने के लिए भी सेम वही चीज करना पड़ेगा, मेरे को इन्हीं की बटन यूज करना पड़ेगा। मैं स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ भाई कुछ नहीं हो रहा। अब यही सबसे बड़ी वजह है कि लोगों को ये नए वाले टच कंट्रोल पसंद नहीं आते, क्योंकि भाई पुराने वाले में अलग ही इमोशन था। बिल्लू को सभी का नमस्कार, सुन मैं संगीत को YouTube से कितने पैसे मिलते हैं? यही कुछ 11-12 हजार। अभी कैसा होता अगर अपन गेम्स खेल के बैठे बैठे पैसे कमा सकते? बिल्लू तेरे को जीत के सेलिब्रेशन करना है? वो कैसे भाई, जीतना किसको नहीं पसंद है, और देखो जीतने के बाद तो सेलिब्रेशन बनता ही है। लेकिन गेस व्हाट, अब सेलिब्रेशन करने के लिए किसी ओकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेयर स्पॉट में तुम लोग लाखों की विनिंग करके हर मूवमेंट को बना सकते हो, जीतने वाला मूवमेंट, आई मीन सेलिब्रेशन वाला मूवमेंट मेरे दोस्तों। भाई खास बात तो यह है कि प्लेयर स्पॉट पर 15 से भी ज्यादा गेम है, जैसे कि लूडो, स्पीड लूडो, स्नेक, लैडर, शीप फाइट, रमी, पोकर, हाउजी, चेस, एंटमैन, इतने सारे गेम्स कंफ्यूज हो गए ना। लेकिन भाई तुम लोग सोचो एक बार लूडो और फास्ट लूडो खेलकर लाखों जीत सकते हो, ये हुई ना भाई कतई सेलिब्रेशन वाली बात। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि भाई प्लेयर स्पॉट ही क्यों, हम लोग लूडो तो कहीं और भी खेल सकते ना। तो देखो यार ये बहुत ज्यादा सिक्योर ऐप है, इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है और इस पे इजी विड्रॉल विनिंग है, मतलब कि जो कुछ भी तुम जीतोगे वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, है ना भाई एकदम कूल। एक बहुत मजे की बात बताऊं, अगर तुम लोग मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो तुम्हें 200 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। सामने जो रेफरल वो दिख रहा है ना, अगर तुम इसको डाल दोगे तो तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो भाई अब यहाँ वहां मत देखो, जाओ प्लेयर स्पॉट ऐप को डाउनलोड करो और विनिंग शुरू करो भाई, क्योंकि सेलिब्रेशन में ज्यादा मजा आएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब थोड़ी सी बात नए वाले कंट्रोल के मत में कर लेते, नहीं तो भाई वो बुरा मान जाएगा। तो ये वाले लोग को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि भाई ये पीवीपी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये सच में हेल्प करते हैं पीवीपी करने में। अब देखो जो लोग को कीबोर्ड और माउस की आदत लग गई है ना, वो ये वाले कंट्रोल में जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर बटन मिलती है, और अगर लोग को एक बार इसकी आदत लग गई तो उन्हें मालूम होगा कि तलवार को कहां मारना है। लाइक ऐसे समझो बीजीएमआई में एक फायर का बटन होता था और वो फायर का बटन आपको मालूम होता था कि कहां पर है, सेम वैसे ही अब माइनक्राफ्ट ने भी कर दिया है। और इस पे अब जॉयस्टिक आ गई है ना, तो जॉयस्टिक में ऐसा है कि आप लोग जहां पर जॉयस्टिक को मूव करोगे वहां पर आपका कैरेक्टर जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको उठा के उंगली को करना पड़ता था। देखो एक वजह और हो सकती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इसे एग्री करते हो या फिर डिसएग्री, ये जो बटन है ना ये अपनी सही जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। हां मैं माइनक्राफ्ट को ओपिनियन दूंगा कि भाई तू कहीं और कर बटन को। अब देखो क्या होता है, अगर यहां पर बटन कस्टमाइजेशन वाला कोई अपडेट आता है तो बटन कस्टमाइजेशन करके आप लोग बहुत ज्यादा प्रो हो सकते हो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब मान लो वो जो उचकने वाला बटन है जंप वाला, उसको थोड़ा सा साइड कर दिया जाए और जिससे अटैक करते हैं वो ऊपर कर दिया जाए, तो भाई बीजीएमआई वाला फुल फिंगर क्लॉक खेल सकते हो तुम लोग। तो मेरे ख्याल से तो भाई इस टाइप का कोई अपडेट होना चाहिए और एक ऑप्शन होना चाहिए यहां पर कि हम लोग बटन को कस्टमाइज कर सके। अब देखो एक और सबसे बड़ी बेकार चीज है जिसके कारण भाई ये वाले अपडेट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर स्प्लिट कंट्रोल ऑन करके अगर आप ये वाले टच को वो करोगे तो आप लोग को किसी को भी हिट करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये गाय मेरे बाजू में खड़ी है और मेरे को पूरा घूमना पड़ा इसको मारने के लिए। ये देखो भाई मैं स्प्लिट कंट्रोल में भाई कुछ ना कर पाऊंगा अच्छे से, मेरे को पूरा घूमना पड़ेगा। अब स्प्लिट कंट्रोल वाला ऑप्शन तो पहले से है, लेकिन भाई देखो तुम लोग को अभी यहाँ पर बटन भी दबाना है और साथ में भाई एक अच्छे से एम भी करना है, इसके लिए तुम्हें गेम में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब वहीं पर सब चीज डिफॉल्ट करके देखते कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। जितने भी कंट्रोल अभी मैंने डिफॉल्ट कर दिए हैं और अभी देखो मैं एकदम साइड में हूँ और मैंने घुमाया भी नहीं अपना कैमरा और मैं उसको हिट कर पाया आराम से। अब तुम लोग समझ गए कि भाई कितना ज्यादा पुराने वाले कंट्रोल अच्छे हैं। अब ऑब्वियसली आप लोग ये जो गोल वाला सर्कल आ रहा है ना, इसको आप लोग नए वाले कंट्रोल में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये गोल वाला सर्कल यही वाले डब्बे वालों में से अच्छा है, एटलीस्ट दुनिया भर की बटन से तो अच्छा दिमाग का। तो देखो सवाल ये निकल के आता है कि भाई कौन से वाले कंट्रोल ज्यादा अच्छे, तूने तो ये तो बताया ही नहीं इस पंकी मैं कौन से कंट्रोल में खेलूं। तो देखो जो तुमको सही जमते उससे खेलो, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो भाई पुराने वाले मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं अभी भी। मैं तो यही सोचता हूं कि नए वाले कंट्रोल में अगर ये बटन कस्टमाइजेशन वाला आ गया ना भाई, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल जाएंगे नए वाले, क्योंकि भाई तुम उस पे हिट अलग कर पाओगे, लाइक तुम फोर फिंगर क्लॉक खेल पाओगे अपने हाथ से बिना कीबोर्ड लगाए और बहुत ज्यादा प्रो बन जाओगे।
फिर बटन को जहाँ लगाना लगा और जॉयस्टिक को जहाँ से मूव करना है करो, जहाँ जंप करना, जहाँ पर उड़ना, जहाँ से कुछ प्लेस करना, भाई सब अलग। तो वेल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज समझ आ गई होगी। ऑल्सो भाई अगर तुम लोग मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि हम लोग 235 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना अगर तुम लोग ने अभी तक नहीं किया होगा तो। और इस टाइप से गॉड इस पंकी में आपको बैट बॉल खेलना है तो आ जाओ यार, मैं गिर गया। तो मैं मिलूंगा आप लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।